इंतजार रहता है बजट का कि बजट आए और हमारे लिए खास क्या हो। हर डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ सौगात तो आई है, पर सबसे बड़ी ज़्यादा सौगात जो है वो BDC DDC मेंबर्स और पंचायती राज सिस्टम को डेवलप करने के लिए, मतलब सारा फोकस वहाँ पर ज़रूर रखा गया। 25 लाख रुपया एक एक BDC मेंबर्स को, वहीं अगर DDC मेंबर्स की बात करें तो 10-10 करोड़ रुपया आया। पर वहीं अगर बात की जाए पंचायती राज सिस्टम की, अर्बन लोकल बॉडीज़ की, तो 1313 करोड़ रुपीज़ आए हैं। आप इससे कितनी ज़्यादा संतुष्टि जो है वो सबको मिल रही है, चलिए पहले आप ये जान लीजिए, उसके बाद में बातचीत करते हैं। मैं BDC चेयरमैन सुरेंद्र कुमार ब्लॉक मठ से। जैसे कि ये जो कल बजट पेश हुआ, हमारी सीतारमन जी जो मैडम ने वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसको पेश किया है। तो ये BDC की DDC की जो इलेक्शन है फर्स्ट टाइम हुई है हमारे J&K में, UT जब से बनी है। इससे पहले हमारे पंचायती इलेक्शनें हुई थी 2-3 बार। तो इससे बड़ी सारी उम्मीदें थी लोगों को कि लोगों की डेवलपमेंट होगी। बजट अच्छी तरीके से आया है और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो लोगों को भी बड़ी सारी उम्मीदें थी, हमें भी उम्मीदें थी। हमको साल हो गया बने हुए BDC, तो लोग हमारे पास आते थे, हमारे पास फंड्स कोई अवेलेबल थी नहीं। तो इसके साथ ही एक हमारा साल तो कोरोना की वजह से हमारा मारा गया। ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री सेंटर में जो गवर्नमेंट है, जो UT बनी उसके बाद ये इधर 3-tier सिस्टम जो लागू हुआ है, ये सराहनीय एक जो कदम है, इसकी हम स्वागत करते हैं। आपको लगता है इस फंड, इतना फंड काफ़ी होगा आम जनता का विकास करवाने के लिए, आम जनता की बात को सुनने समझने के लिए? और शुरुआत तो हुई, बस इतना ही कहेंगे, शुरुआत तो हुई ना। ये बजट हमारा बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, पहले से बजट हमारा बड़ा है। लेकिन जिस तरह से बाकी, मतलब जो DDC है उनको 10-10 करोड़ रुपये दे रहे हैं, BDC को 70 करोड़ रुपया उनको दे रहे हैं, 200 करोड़ रुपया DDC को दे रहे हैं, उसी तर्ज पर हम 1313 करोड़ जो पंचायती राज को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रूरल का, अर्बन का, उसके लिए और ULB के लिए ये अमाउंट कम है। हम चाहेंगे कि हमारा ULB का जो अमाउंट है वो अमाउंट बढ़ना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। कि वो सिटी के अंदर हमारी बात करें, हमारे कितने करोड़, मतलब कितने सौ करोड़ का हमारा जो सिर्फ नालों का काम है, जो पहले कुछ काम हुआ है अमृत के तहत कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत से 100 के करीब हमारा जो इनके प्रोजेक्ट हैं वो सेक्टर में पड़े हैं, उनकी वेटिंग। हालांकि खुशी की बात है जो कमेटी बनाई है LG साहब ने, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कमेटी बनाई है ताकि टेक्निकल जो वेटिंग है वो जल्दी हो सके, उस बात की हम सराहना करते हैं। लेकिन जो अमाउंट की बात है वो ULB के लिए जो अमाउंट है वो अमाउंट कम है, उसके लिए जो उनको पंचायती राज को दिया है उसके लिए हमें खुशी है। 3-tier सिस्टम के लिए जो किया है वो ठीक है, लेकिन पंचायती राज के साथ जो ULB का और रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसा है वो पैसा कम है। हमें चाहिए उस अमाउंट को इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, वो अपनी वार्डों में अच्छी तरह काम करें। ये जम्मू कश्मीर के 3-tier सिस्टम के लिए, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए फर्स्ट टाइम हमें इतना बड़ा बजट देखने को मिल रहा है। उसमें 30 करोड़ रुपया जो है इन्होंने DDC और VDC के ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए रखा गया है पूरी रियासत के अंदर। 30 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि है, छोटी राशि नहीं है, सिर्फ ऑफिस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद 10 करोड़ रुपया हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिया गया है, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में 10 करोड़ रुपया दिया गया है। मान के चलिए कि 200 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये 3-tier के लिए। और 2nd-tier के लिए जो हमारी डिमांड थी कि 25 लाख रुपया हर एक VDC को दिया जाए, वो 25 लाख रुपया VDC को इस बजट में प्रोविजन रखा गया है। जी, 3 चीज़ें। चौथी चीज़, 1313 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, और उसके साथ साथ जो है अर्बन लोकल वार्डी के लिए दोनों। ये डिफाइन नहीं किया गया कि PRIs इंस्टीट्यूशन जब हम लोग कहते हैं, क्या 1300 करोड़ रुपया जो है उसी में से, ये 200 करोड़ जो DDC को दिया गया है क्या उसी में से है, जो 25 लाख VDC को दिया गया है क्या उसी में से है, जी अभी डिफाइन नहीं किया गया। टोटल
अमाउंट बताई गई है कि 1313 करोड़ रुपया जो है वो पीआरआईज और अर्बन लोकल वाडी के लिए दिया गया है। मतलब इस चीज़ का हमें जो मालूम नहीं है कि पंचायतों के लिए कितना रखा गया, बीडीसी के लिए कितना है और डीडीसी के लिए कितना है, और अगर बीडीसी को 25 लाख दे रहे हैं, डीडीसी को 10 करोड़ रुपया हर डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं, क्या जे 1313 करोड़ में से ही है या जे अलग से है जी, अभी क्लियरिटी नहीं है। और अर्बन लोकल वाडी का भी इसी में है, क्या वो भी इसी में होगा, कितना होगा वो अभी क्लियर नहीं है। इसके साथ साथ फर्स्ट टाइम जो हमारी डिमांड थी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट होने के नाते, हमने बार बार सरकार से कहा और आप लोगों ने, मीडिया ने हमारी आवाज़ को सेंटर तक भी पहुंचाया, स्टेट तक भी पहुंचाया, अवाम तक भी पहुंचाया, इसलिए मैं आपका भी मशकूर हूं कि सिक्योरिटी के लिए हम चाहते थे कि अलग से एक फंड जो है वो रखे जाए। इस बार 80 करोड़ रुपया जो है वो सिक्योरिटी जो है पीआरआईज की सिक्योरिटी, इसमें अर्बन लोकल वाडी नहीं, सिर्फ पीआरआईज की पंच, सरपंच, वीडीसी और डीडीसी, इनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए 80 करोड़ रुपया जो है सालाना अलग से रखा गया है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं सरकार के कि इन्होंने रखा है। डीसी मेंबर से जब बातचीत हुई है तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, हमें इसे कहीं ना कहीं संतुष्टि है, बट अगर बीडीसी मेंबर्स की बात करें तो उन्होंने कहा है चलिए शुरुआत तो हुई पर इतनी ज़्यादा खास शुरुआत नहीं हुई, पर वहीं अर्बन लोकल बॉडीज़ में यानी कि जितने भी कॉरपोरेटर्स वगैरह हैं उनको भी संतुष्टि नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी जो 1313 करोड़ रुपीज़ आए हैं उसमें यही चीज़ सिमट के समझ नहीं आ रही है कि ये जो पैसे आए हैं ये डीडीसी बीडीसी मेंबर्स को मिलने के बाद जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ तक पहुँचेंगे या अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये मिलेंगे। पर कहीं ना कहीं एक अच्छी सौगात ये भी ज़रूर देखने को मिली है कि पहली बार सिक्योरिटी को समझने के लिए, यानी कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए, पैसे जो हैं उनके लिए भी 80 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है। आपको क्या लगता है ये बजट जो है अगर पंचायती राज सिस्टम के अकॉर्डिंगली देखें तो कैसा आपको लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।